अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फिजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। इस मुतालिक मरियम औरंगजेब हमें ज्वाइन कर चुकी है। मरियम औरंगजेब, सबसे पहले तो बोल को वक्त देने के लिए शुक्रिया, क्या कहेंगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन जो है खराब हो रहा है, लाहौर आलूदगी का शिकार होता जा रहा है, क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पिछले 8 माह में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर एक्टिविटीज थी, इंटरवेंशन थी पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इससे पहले कभी नहीं हुई थी। चाहे वो सुपर सीडर एग्रीकल्चर को स्टबल बर्निंग का ऑल्टरनेटिव हो, चाहे वो इमिशन कंट्रोल सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो थर्मल कैमरा से स्मोक एमिटिंग जो व्हीकल्स हैं उनकी इंस्पेक्शन हो, और फिर पाकिस्तान का पहला व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की रिजीम लाई गई, कवानीन में तब्दीली की गई, जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उनको बंद करके फ्यूजिटिव डस्ट के जो एसओपीज हैं उनको डाला गया। तो ये मिटिगेटिव और ई बाइक का सिलसिला शुरू हुआ ई इलेक्ट्रिक मास ट्रांजिट की रिजीम में, और इसके साथ साथ ईपीए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी पूरी ओवरहॉलिंग हुई। हमारी पहली दफा एनवायरमेंटल स्क्वाड मॉनिटर्स, AQI मॉनिटर्स, कैलकुलेटर्स, एनालाइजर्स सब लगे। तो ये वो तमाम इकदाम थे जो मिटिगेशन के वक्त इस्तेमाल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त हम स्मॉग सीजन में एंटर हो चुके हैं, तो स्मॉग मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट से थी, वो स्मॉग के सीजन में करती थी, लेकिन ये मिटिगेटिंग फैक्टर से काफ़ी बेहतरी आई। लेकिन ये 8 से 10 साल का फिनोमेना है अगर आज हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। आज सुबह लास्ट 4 डेज में बड़ा देखा गया कि जो AQI वो 107 के लोएस्ट पे भी गया और 183 इसकी एवरेज रही। लेकिन आज सुबह गैर मुतवक्के तौर के ऊपर अर्ली मॉर्निंग जो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग एरिया है लाहौर के, उसमें जो AQI लेवल था वो 1800 1700 1000 सेंटर ऑफ लाहौर है उससे तजावज कर गया। साथ ही नासा का एक मैप इशू हुआ जिसमें सारे जो फायर होते हैं इवेंट्स उसको वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो इंडियन साइड है उसमें स्टबल बर्निंग और दिवाली के 2 दिन थे जिसकी वजह से फायर इंटरवेंशन और एक्टिविटीज बहुत बढ़ी। इसके साथ साथ जो ईस्टर्न कॉरिडोर की जिंद है वो 7 to 8 किलोमीटर की रफ्तार पर लाहौर में दाखिल हुई। लाहौर में उस वक्त विंग स्टैगनेंट थी और ये दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और जो लाहौर के एरियाज हैं बॉर्डरिंग एरियाज उस पर ये दाखिल हुई और तेज थी, 8 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रही थी, जिसकी वजह से ये AQI एकदम शॉर्टअप हुआ। लेकिन अभी इस वक्त 11:30 के लगभग जो AQI था वो दोबारा 283 के ऊपर आ गया, क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ मुड़ गई है, मगर अभी वो आफ्टरनून में दोबारा हमारी तरफ उसकी प्रडिक्शन है, अल्लाह ना करे। लेकिन 2 किलोमीटर की स्पीड भी इसकी कम हो गई है, 2 किलोमीटर हो गई है 8 से। तो मेरी लाहौर के शहरियों से ज़रूर ये दरख्वास्त है कि बच्चों को, बुजुर्गों को बाहर गैर जरूरी तौर पर ना निकालें, उनको मास्क पहनाएं और अपनी खिड़कियाँ, अपने दरवाजे जो हैं उनको बंद रखें। लेकिन ये सारा डेटा इस बात का सबूत है कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और शेड एयर का जो मामला है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया, खैर हमें इसका बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है जो गैर जरूरी तनकीद ये लोग करते हैं, लेकिन आज इस बात का अमली सबूत आया कि जो एकदम शॉर्टअप किया और फिर दोबारा से वो स्टेगनेंट हुआ, 283 के ऊपर ड्रॉप हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फार्मर्स को जो पाकिस्तान साइड की इस वक्त सीजनल स्टबल बर्निंग के फेज में हम एंटर हुए हुए हैं, हमारी इन्वायरमेंटल स्कॉर्ड और एग्रीकल्चरल स्कॉर्ड इस वक्त सर्वेलेंस के लिए फील्ड में है, ड्रोन कैमरों से भी सर्वेलेंस हो रही है, लेकिन फार्मर सुपर सीडर भी दिए गए हैं, 1000 डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करें, मुंजी ना जलाएं, ये बच्चों की सेहत का मामला है। सुबह से हमने अरेस्ट भी किए हैं, फाइन भी किए हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन उनको खुद होनी चाहिए और मीडिया के साथ मिलकर, गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है, मीडिया के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।